बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इल्म अकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करने लगे हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताते चले, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल है इल्म अकेडमी DP सॉफ्टवेयर, आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारा पेज है क्लास 9 मैथ सॉफ्टवेयर, आप इसको फॉलो कर लें ताकि हमारी जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हुआ करे तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन आपको मेन स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, ये ऊपर 5000 अंडर रूट की वैल्यू 3 दी गई है और नीचे 5 के ऊपर भी अंडर रूट है और इसकी वैल्यू अंडर रूट की वैल्यू 3 है। इसे सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, जो आसान मेथड है उसके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपने वीडियो को इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ देखना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। अच्छा, इसे सॉल्व करने के लिए हम इस तरह कर सकते हैं कि ऊपर जो 5000 है ये एज इट इज ही लिखा रहे और नीचे डिवाइडेड बाई 5 है। अंडर रूट दोनों वैल्यूज के ऊपर है तो हम कंबाइन अंडर रूट लगा लेते हैं और अंडर रूट की वैल्यू 3 है तो हम यहाँ पर वैल्यू 3 लिख देते हैं। अब ये दोनों वैल्यूज का जो अंडर रूट है वो कंबाइन हो चुका है। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि मजीद इसकी कटिंग हो सकती है, यस हो सकती है। 5 वन ज़र 5 5 वन ज़र 5 तो ऊपर रह गया एक तो ये 1 और 3 0 इसके साथ, ये 3 0 आपने लिख दिए, नीचे 1 है, 1 बेशक ना भी लिखें, अंडर रूट आ जाएगा और अंडर रूट की वैल्यू है 3। ठीक है, अब जो ये 1000 है ये 10 की पावर 3 होता है, हमने 1000 को 10 की पावर 3 लिख दिया है और ये आ गया अंडर रूट और अंडर रूट की वैल्यू 3। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया था कि आप इसको सिंगल रेडिकल फॉर्म के अंदर लेकर आए, पहले ये इसके 2 रेडिकल्स थे, अब हम इसको सिंगल रेडिकल फॉर्म के अंदर लेके आ गए हैं, एक तो इसका ये आंसर है और फिर क्वेश्चन में ये डिमांड दी गई है कि इसे आगे अगर मजीद सॉल्व हो सकता है तो इसको सॉल्व भी करें। आगे सॉल्व हो सकते हैं, हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये 10 की पावर 3 एज इट इज आ गया और ऊपर जो अंडर रूट है अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो 1/3 लिखेंगे। जैसा कि आपको पता है अगर सिर्फ अंडर रूट होता तो 1/2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट की वैल्यू 3 है तो इसलिए हम 1/3 लिखेंगे। अब मजीद आगे कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है, ये आपने लिख दिया 10 10 की पावर 3 ये वाला, ठीक है, अब 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर के साथ, 3 3 के साथ कट जाएगा, सिर्फ 10 की पावर 1 रह जाएगा और 10 की पावर 1 जो है वो 10 ही होता है। और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसे अपनी नीट कॉपी के ऊपर नोट कर लें और इसे रफ कॉपी पर भी 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।